हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्तराखंड फैमिली ब्लॉग। तो मैं आज आप लोगों के सामने न्यू ब्लॉग के साथ आ चुकी हूँ। आज मैं अपनी ब्लॉगिंग लगभग 4:15 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मेरे को कमेंट बॉक्स में ये आया हुआ था कि मैम आप हमें किसी के बालों में हेयर स्टाइल करके दिखाएं, तो आज मैं उनके किसी के बालों में हेयर स्टाइल करके दिखाऊँगी, तो आगे का दिखाती हूँ। तो थैंक यू भी कहना चाहूँगी जो मेरे को इतना सारा प्यार दे रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे चैनल को देखने के लिए और मुझे प्यार देने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे मैं क्या करने वाली हूँ। गाइस, पहले मैं अच्छे से बालों में मैंने कॉम कर ली है और यहाँ से साइड मांग निकाल ली है। और तो इन बालों से मैं हेयर स्टाइल डालूँगी, हाफ़ हेयर स्टाइल इधर, हाफ हेयर स्टाइल इधर, और यहाँ पर मेरा पफ आएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे क्या करने वाली हूँ। हाँ देखिए, सो गाइस, हमने क्राउन शेप से ये बाल ले लिए, तो इनको मैंने सही से कॉम कर लिया। और हमारे पास अभी जीवा बन अवेलेबल नहीं है, तो मैं इन्हीं बालों से इसमें वो डालूँगी। सॉरी, जूड़ा बन बोल दिया मैंने, पफ स्टाइल नहीं है, तो मैं इसमें पफ डालूँगी इन बालों को यू करके। तो आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं इनमें पफ डालने वाली हूँ। तो हमने बालों को अच्छे से एक एक बार करके कॉम कर लिया था, तो उनको अच्छे से कॉम कर लिया और ये पफ बना दिया है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अभी पफ स्टाइल नहीं है, तो मैंने इन बालों से इनका पफ बना डाला। तो इस तरह से हमारा पफ तैयार हो चुका है पीछे से। तो मैं यहाँ पर अब बॉबी पिंस लगा दूँगी इस तरह से। इनका पफ बना लिया है, तो ये अब यहाँ से मैं इनके हेयर स्टाइल बनाऊंगी। पहले तो इसमें हम अब हेयर स्टाइल डालेंगे और वन लेयर करके पतली पतली लेयर लेनी है हमको बालों के लिए, तो इनकी जो हेयर स्टाइल है काफ़ी अच्छी लगेगी। और अभी जूड़ा तो मैं आपको ये बताना भूल गई कि तो हेयर स्टाइल विथ जूड़ा है मेरा जो मैं इनके बालों में बना रही हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर किसी की शादी हो, पार्टी, छोटे मोटे फंक्शन हो, तो हम ये वाली हेयर स्टाइल अपने बालों में डाल सकते हैं। तो ये जो हेयर स्टाइल है काफ़ी अच्छी है। इस हाफ हेयर स्टाइल बन चुकी है, तो हम इसको यहाँ पर यूँ टक कर देंगे आपके वहाँ पे। हेयर स्टाइल बन के तैयार हो चुकी है, तो यहाँ पर हमने ये टक कर दिया दोनों साइड की हेयर स्टाइल को। तो अब यहाँ पर मैं इनको जो एक्स्ट्रा बाल गूँथ लिए थे उनको खोल दूँगी, और यहाँ पर मैं दो छोटी सी चोटियाँ बनाऊँगी जैसे हम चोटियाँ बनाते हैं। थोड़ा सा दो चोटी बना देनी है, तो यहाँ पर हम जूड़ा बन लगा देंगे। हमने यहाँ पर जूड़ा टच कर दिया है, तो इसको यू पिन की मदद से हमें बालों में लगा देना है ताकि ये खुले नहीं। तो हमने कुछ तरह से इसको टक कर लिया है। हमने ये सारे बाल इस तरह से बन को कवर कर लेना है इन बालों से, और फिर यहाँ पर जूड़ा पिन लगा देना है। आप देख सकते हैं हमारा काफ़ी अच्छा जूड़ा बनेगा, अभी तो स्टार्टिंग है। तो इनके बाल ना बड़े हैं, तो हमें कुछ करना पड़ेगा इन बालों का। साइड वाले जो बाल हैं, तो इनको पहले तो हम जूड़े से यू पिन से इनको टक कर लेते हैं जूड़े पे। तो मैंने ये टक कर लिया, ओनली 3 पिन्स लगी मेरी जूड़े की। सो गाइस, जो पतली पतली लेयर लेनी है बालों की, तो इसको यू ढीला ढीला छोड़ के इस साइड से हमें यू फिर से इसको जूड़े बन यू पिन की मदद से हमें टक कर देना है। मैंने छोटी छोटी लेयर लेके कुछ इस तरह से जूड़ा बना दिया है, तो हाफ बाल इधर हो चुके हैं, तो हाफ इधर है। तो इनका मैं बताती हूँ मैं कैसे क्या करूँगी। मैंने जूड़ा, जैसे कि आप देख सकते हो, तो मैंने जूड़ा बना दिया। साइड साइड वालों का मैं फ्लावर बना दूंगी, तो इनको मैं चोटी की तरह गूंथ लूँगी। इन बालों को हल्के से ढीला भी करना है ताकि जो फ्लावर बन रहे, तो
तो वो काफ़ी अच्छा बने हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। हल्के हल्के ढीले कर देना है तो इससे जो हमारा फ्लावर बनता है काफ़ी अच्छा बनता है। फ्लावर बन के तैयार हो चुका है तो इसमें अब इसमें यूट पिन टक कर दूंगी मैं कुछ इस तरह से। तो हमने कुछ इस तरह से बनाया है ये वाला फ्लावर, साइड फ्लावर। तो दूसरा भी साइड फ्लावर बनाऊंगी मैं लगा रहेंगे कुछ इस तरह से, ताकि कि हमारा जो चूड़ा है काफ़ी अच्छा स्वीट सा दिखे। मैं आपको दिखाती हूँ जूड़े कई तरीके से। तो मैं अभी तो मैंने आपको ये सिंपल सा जूड़ा बना के दिखाया है, तो अब ये फ्लावर जो बनाया हुआ है मैंने इसमें भी मैं ये लगाऊंगी। पूरा तैयार है तो फाइनल लुक कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो हम ये ब्राइडल के सर में भी बना जूड़ा बना सकते हैं किसी के भी। और ये हमारा जो फ्लावर रेडी करा था मैंने साइड पे, और ये हमारी हेयर स्टाइल, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये लुक इन पे। ऐसे साइड सो गाइस जूड़ा बनकर रेडी हो चुका है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो अगर आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर बताइए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।